अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZB ऑनलाइन सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रांसक्रिप्टर नाम की एक वेबसाइट शेयर करूंगी, जिसके थ्रू आप अपने ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई इट फ्री करेंगे यहाँ पर। इस पर करने के बाद में यहाँ से हमें साइन इन के लिए ऑप्शंस मिलेंगी। मैं यहाँ पर गूगल अकाउंट से कंटिन्यू करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका अपना गूगल अकाउंट शो होगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हमें इसकी एक्सेस मिल जाएगी। इसके बाद इस किस्म का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ड्रॉपा फाइल में अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके डिवाइस में पड़ी हुई है। यहाँ से आप अपलोड के ऑप्शन भी अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से पूछेंगे कि ट्रांसक्राइब योर फाइल, कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगी। आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे और देन ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइबिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। प्लीज़ वेट, फाइल इज़ अपलोडेड। फाइल अपलोड हो रही है हमारी यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। के बाद में ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। ये देखें, ये मैंने एक सॉन्ग सिलेक्ट किया था, तो ये यहाँ पर फाइल अपलोड होकर ट्रांसक्राइब हो रही है। यहाँ साइड पर प्रोसेसिंग आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे सॉन्ग को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। ये कन्वर्ट होकर आ चुकी है हमारे पास। प्रोसेसिंग आना बंद हो गया, इस पर मैं क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे सामने, मैंने सिर्फ ऑडियो यहाँ पर अपलोड की थी और उसको ट्रांसक्राइब किया और सारा हमारे पास रिटर्न फॉर्म में। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और देखूँगी कि जो मेरा सॉन्ग था वही ट्रांसक्राइब हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो भी ऑडियो फॉर्मेट में आपने यहाँ पर अपलोड करके ट्रांसक्राइब किया है उसको सुन सकते हैं कि ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है वो हमारा ही अपलोड की हुई हमारी फ़ाइल है। इसके अलावा यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, कि यहाँ पर इंग्लिश थी, उसके बाद में हम जिस लैंग्वेज में चाहते हैं कि हमें ये लिखा हुआ नज़र आए, सिलेक्ट लैंग्वेज में जाकर हम वहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद में ये सब कुछ हमें उर्दू में शो होने लगा है। मैं इसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँगी और इंग्लिश फॉर्म में ही रहने दूँगी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में देखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आप तो इसके थ्रू हम अपनी कोई भी ऑडियो को अपनी रिटन फॉर्म में यानी टेक्स्ट फॉर्म में लेने के लिए इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय हर एक चीज़ के लिखने के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।